हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने सिंपल 10वीं पास कर रखा है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकली हुई है आपके लिए। ये दोस्तों निकली हुई है सरकारी अस्पताल नया भर्ती 2024। दोस्तों, ये अस्पताल में वैकेंसी निकली हुई है। आपने सिंपल 10वीं पास कर रखा है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और अच्छी बात यह है, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा और फिर दोस्तों उसी में कुछ जानकारी पूछी जाएगी, उसी के आधार पर आपका चयन हो जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी देंगे कौन कौन लोग फार्म को भर सकते हैं, क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा और दोस्तों किस तरीके से आपको फार्म को फिलअप करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं ऐसी भर्ती से रिलेटेड वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो अपलोड करूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए सरकारी अस्पताल नया भर्ती 2024 टोटल पोस्ट यहां पर देखिए 50 प्लस यहां पर टोटल पोस्ट रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन आपने सिंपल 10th पास किया है किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नो एग्जाम, सीधी भर्ती, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। एज लिमिट की बात करें तो देखिए दोस्तों, आपकी 21 से 46 साल तक है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एज में छूट भी देखने को मिल जाएगी, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप एससी एसटी से हैं तो आपको एज में 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। रिक्त की प्रकृत थर्ड पार्टी, अब दोस्तों हम आपको बता देंगे थर्ड पार्टी क्या होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई विभाग सरकारी विभाग है और उस कंपनी ने किसी विभाग को टेंडर दे दिया, वही कंपनी इसकी देखरेख करती है और वही कंपनी लड़कों और लड़कियों की सैलरी देती है, तो वही कंपनी क्या कहलाती है दोस्तों, थर्ड पार्टी। तो दोस्तों ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई कि थर्ड पार्टी क्या होता है। आप सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए, इसमें दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो भी बेसिक सी डिटेल पूछी जाएगी, अगर आप उससे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका चयन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी आपकी स्टार्टिंग में 15,500 से 20,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। फॉर्म अप्लाई मोड, आप ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जरूर से जरूर फॉर्म को फिलअप करना है। दोस्तों अच्छी बात ये है, इसमें आपकी फॉर्म फीस भी नहीं लगने वाली है, तो आपको फॉर्म फिलअप करने में क्या प्रॉब्लम, आप जरूर से जरूर फॉर्म भरिए। किस वेबसाइट से भरना है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। उससे ओपन करने के बाद उसमें लिखना है सेवायोजन.यूपी.जीओवी.इन। ये लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने जो वेबसाइट खुलेगी, आपको उस फर्स्ट लिंक पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे वहीं पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा जॉब सीकर, वहां पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों वहीं पर एक ऑप्शन आएगा साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करना है। वहां पर दोस्तों आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी वहां पर फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा। फिर दोस्तों आपको अपनी 9 स्टेप में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। वहां पर दोस्तों अपना शारीरिक योग्यता, शैक्षिक कौशल, विकास, अनुभव, वरीयता, ये सारी जानकारी को वहां पर फिलअप कर देने के बाद आपकी प्रोफाइल पूर्ण हो जाएगी। फिर दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए वहीं पर आपको एक बॉक्स दिखेगा समस्त नौकरी के लिए आवेदन करें, वहां पर आपको क्लिक करना होता है। वहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों वहां पर 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल सभी की वैकेंसियां दिख जाती हैं। आप जिसमें भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं बस आपको आवेदन करें वाले सेक्शन पर क्लिक करना होता है, आपका आवेदन हो जाता है। बस आपको एक बार इसमें प्रोफाइल बना लेनी है, वो दोस्तों आप जब तक प्रोफाइल नहीं बनाएंगे तब तक आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अब जॉब प्रोफाइल भी देख लीजिए दोस्तों, आपको जॉब मिलेगी वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही आपको जॉब देखने को मिलेगी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी वो भी आप देख लीजिए दोस्तों, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है। अब दोस्तों इसकी अप्लाई लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों इसकी अप्लाई लास्ट डेट है 15/3/2024, ये इसकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले आपको अपने फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।